हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एक ओल्ड जीन्स में से एक बेबी फ्रॉग स्टिच करना बताऊंगी। ये 3 to 4 ईयर गर्ल के लिए है। ये मेरी ओल्ड जीन्स है और मैंने एक वेस्ट ओवर फैब्रिक भी लिया है जिसका मैं डिज़ाइन डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी जीन्स है जिसे मैं ऊपर से कट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैं इस पे मार्क कर रही हूँ। ये मैंने कट कर लिया है। इसे ऊपर का पार्ट से आप स्कर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका नीचे का ही यूज़ करूँगी। नीचे के मैंने दोनों लेग्स को ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिलाई निकाल ली है इनकी। और अब मैं इसे इस तरह से रख दूँगी और इसकी लेंथ ले लूँगी। मैं पहले मैं 20 इंचेस की लेंथ ले रही हूँ। इधर से भी मैं 20 इंच ही ले रही हूँ। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे इसको ऊपर रखूँगी, दोनों लेग को एक के ऊपर एक रखूँगी। और उसके बाद मैं अपने शोल्डर का निशान लगाऊँगी। सबसे पहले मैंने तीरा लगाया है 4 इंच पे, और उसके बाद शोल्डर मैंने लगाया है 4 and 5 इंच पे। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है। ये इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब मैं अपना नेक कट करूँगी। नेक कट करने के लिए मैं दोनों साइड के आगे के पीस ऐसे उठा लूँगी और इस पर मैं अपना नेक का मार्क करूँगी। नेक का मार्क करने के लिए मैं ऊपर से 1.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और लेंथ में इसकी 4 इंच ले रही हूँ। तरह से। और अब मैं इसे कट कर दूंगी। मेरा वी शेप में आ जाएगा नेक। ये आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसका बैक पार्ट का ज्वाइन करूंगी। इस तरह से इसको स्टिच कर लूंगी। मैं पूरी लंबी सिलाई कर दूंगी मैं इसके ऊपर और ये मेरा जॉइंट हो जाएगा। ये मैंने स्टिच कर लिया है इसे। अब मैं इसके शोल्डर और नेक को फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ। इस तरह से मैं नेक को भी फोल्ड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दोनों चीज़ें फोल्ड कर दी हैं। अपना शोल्डर और नेक भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसके बीच से भी इसके स्टिच कर लूँगी और इसके शोल्डर भी जोड़ लूँगी। अब मैं अपना वेस्ट ओवर फैब्रिक ले रही हूँ और इसे 5 5 इंच पे मार्क कर दूँगी। इस तरह से एक लंबी पट्टी निकाल लूँगी मैं 5 इंच की और इसे कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है इसे। मैं सेम साइज़ की 2 पट्टी निकाल लूँगी इस तरह से और इसे डबल फोल्ड करूँगी ऐसे। दोनों पट्टी को मैं इसी तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर एक बड़े टांके से इसे स्टिच करूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है इसके शोल्डर भी और आगे इसका जॉइंट भी शोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके नीचे एक फ्रिल लगाऊंगी। फ्रिल लगाने के लिए ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक स्टिच कर लिया है बड़े टांके से। ये आप देख सकते हैं, मैं इसका एक धागा पकड़कर हल्के हाथ से इसे हल्के हल्के से खींचूँगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे फ्रिल आ रहे हैं इसके अंदर। हल्के हल्के हाथ से आपको खींचना है, इसे तेज से नहीं खींचना है। ये मैं पूरे कपड़े में इसी तरह से खींच लूँगी। एक धागे को आप याद रखें, एक धागे को ही खींचना है।
मैं पूरे कपड़े में इसी तरह इसे आगे करती जाऊंगी और इस धागे को खींचती रहूंगी, तो ये पूरे कपड़े पे मेरे फ्रिल आते रहेंगे। और मैं दोनों पट्टी में इसी तरह से फ्रिल लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी पट्टी पे अपने फ्रिल ले आई हूँ। कि मैंने दोनों पट्टी रेडी कर ली है, ये आप देख सकते हैं इसे। और मैं इसे नीचे की तरफ इस तरह से जॉइंट करूँगी, इसके ऊपर रखकर सिलाई करूँगी। ये मेरा बैक का है और ये मेरा फ्रंट का है। इस तरह से इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर दूँगी मैं। और आप चाहें तो पहले इसे जॉइंट भी कर सकते हैं और फिर गोल राउंड में इसे स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने एक सिलाई लगा दी है इसके ऊपर, ये मैंने बैक पे भी इसी तरह लगा दिया है। और अब मैं एक ब्लू कलर की पट्टी ले रही हूँ जिससे ये और फिनिशिंग से आएगा, और इसके ऊपर इस तरह से इसे लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से लग जाएगा। ये मैंने पट्टी लगा दी है इसके ऊपर और इसे भी जॉइंट कर लिया है। और आप चाहें तो आगे बटन भी लगा सकते हैं। ये मेरा रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।